विराट कोहली को तीसरी बार मिला ये इंटरनेशनल अवार्ड, राशिद गेल भी सम्मानित। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को तीसरी बार साल 2017 से 18 के लिए सीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। कोहली को इससे पहले साल 2011 से 12 और 2013 से 14 में भी यह पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज, जबकि न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज चुना गया है। अपने जमाने के मशहूर विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल विश्व कप में खेली गई नाबाद 171 रन की पारी को साल सबसे बेजोड़ पारी से नवाजा गया है। मयंक अग्रवाल को साल का सर्वश्रेष्ठ घरेलू खिलाड़ी और शुभमान गिल को सर्वश्रेष्ठ अंडर 19 खिलाड़ी चुना गया है। अन्य पुरस्कारों में अफगानिस्तान के राशिद खान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी डॉट गेंदबाज और न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो को सर्वश्रेष्ठ टी डॉट बल्लेबाज का पुरस्कार मिला, जबकि वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पॉपुलर च्वाइस अवार्ड से नवाजा गया है। सम्मान समारोह में विराट कोहली मौजूद नहीं थे, उनकी ओर से टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा अवार्ड लेने पहुंचे। विराट को आईपीएल मैच के दौरान चोट लग गई थी। कार्यक्रम में फारूक इंजीनियर ने राशिद खान को अफगानिस्तान का ग्रेट एम्बेसडर बताया हुए कहा कि आप लगातार यही जज्बा कायम रखें। फारूक ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपको तो अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री